आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तीन साथी लुटेरों की गिरफ्तारी के साथ उत्तर पश्चिम जिला दिल्ली पुलिस ने सशस्त्र डकैती के 10 मामले और ऑटो चोरी के 3 मामले सुलझा लिए हैं। आरोपियों ने नकदी और अन्य सामान की डकैती की है। दिल्ली और NCR के विभिन्न हिस्सों में 2 स्वचालित पिस्तौल और नगद रुपए सहित 4 अग्निशस्त्र व 14,800 रुपए चोरी की 2 मोटरसाइकिलें बरामद। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। 7/8/2023 को थाना केशवपुरम दिल्ली में रामपुरा श्री विनायक पतंजलि मेगा स्टोर पर डकैती की सूचना प्राप्त हुई। काल मिलते ही थाना केशवपुरम का स्टाफ मौके पर पहुंचा। शिकायतकर्ता देसु कुशवाहा ने बताया कि 7/8/2023 को दोपहर करीब 3:10 पर जब वह और उनके साथी पतंजलि मेगा स्टोर में थे, हेलमेट पहने हुए 4 अज्ञात व्यक्ति स्टोर में घुस गए और लगभग 9,000 नगद, कुछ दस्तावेज और 4 पैकेट लूट लिए। बंदूक की नोक पर 1-1 किलो देसी घी लूटकर भाग गए। तदनुसार FIR संख्या 658/23 दिनांक के तहत एक मामला 7/8/2023 IPC की धारा 392, 397, 34 के तहत पुलिस स्टेशन केशवपुरम नई दिल्ली में मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच की गई। जांच के दौरान लुटेरों की पहचान करने का प्रयास किया गया। टीम ने केशवपुरम से ग्रेटर नोएडा UP तक फैले 200 से अधिक कैमरों का विश्लेषण किया। टीम ने ग्राम मोरना नोएडा UP में संदिग्धों की लोकेशन जीरो की प्रयास तब रंग लाए जब संदिग्धों के ठिकाने की पहचान की गई और संदिग्धों की निशानदेही पर आरोपी व्यक्तियों को दिल्ली और पश्चिम UP के विभिन्न स्थानों से पकड़ लिया गया और उनके पास से 22 जिंदा कारतूस के साथ 4 अग्निशस्त्र, नकदी दस्तावेज, 1 किलो घी का पैकेट, चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। तो हमारे यहाँ 7 तारीख को 7th of August को जो केस हुआ केशवपुरम में, तो उसके बाद ये समझ में आया कि सेम मॉडस ऑपरेंडी ये लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने टीमें लगाई जगह जगह, इसको सारे केसेस को एनालाइज किया एंड नॉट लेस देन हंड्रेड्स ऑफ CCTV फुटेजेस वर कलेक्टेड एंड स्कैंड। और उसको स्कैन करके जो हमें इनका पता लगा, तो ये क्या करते थे, ये इधर उधर ये काफ़ी जो है मोटरसाइकिल चला के घुमा करते थे और डेस्परेट से। इसमें जो मेन बंदा था, जो कासिम नाम का जो मेन बंदा है, जो वो मास्टरमाइंड है, तो वो जो है 2 मर्डर के केसेस में अंदर रह चुका है, जेल में रह के आया है और वो जेल से काफ़ी चीज़ें सीखा हुआ था। तो उसको जैसे ये पता था कि मोबाइल से ट्रैक हो सकते हैं, तो वो मोबाइल नहीं उठाया करते थे ये लोग, ये अपना भी मोबाइल कैरी नहीं करते थे। और जो जहाँ पे वे जाते थे वहाँ पर ये जल्दी से 2-3 मिनट में जनरली स्टोर्स को टारगेट करते थे जिनमें कि ग्लास के डोर्स होते थे। तो उससे क्या इनको एडवांटेज होता था कि ग्लास के डोर को इन्होंने उसको अगर जब जो है बंद कर दिया तो अंदर की अगर कोई चिल्लाएगा भी तो वो आवाज़ बाहर नहीं निकलती थी, और ये 2-3 मिनट में अपना कार्रवाई करके फिर ये सीधा पैसा उठाकर और जो है पिस्टल दिखा कर डरा धमका कर ये अपना निकल जाते थे। तो ये है। और इसमें एक बंदा हम लोग ने जो मोटरसाइकिल जो लास्ट जो इन्होंने रॉबरी करी थी, वो उसमें मोटरसाइकिल ये चोरी की यूज़ किया करते थे, तो वो भी इन्होंने दो जगह से मोटरसाइकिल उठाई है। उसमें अभी और भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो कुछ और भी हो सकता है केसेस उसमें और खुले इनके चोरी के मोटरसाइकिल के। अभी एक लड़का अभी बाकी है, इसमें 3 हमने अरेस्ट कर लिए हैं। और जो उस मोटरसाइकिल को हमने जो मैंने आपको बताया CCTV हमने स्कैन किए थे, तो वो CCTV के जो फुटेजेस थे उसको हम लोग जो है ढूंढते हुए आए, तो हम सबसे पहले कासिम के पास पहुंचे। टीम ने उसको सबसे पहले दबोचा और जब उससे पता लगा तो वो बड़ा उसका लैविश टाइप का लाइफस्टाइल है, वो बड़े रंगीन सी मतलब शर्ट पहन के, आप लोग फुटेजेस भी आप देखेंगे तो उसमें रंगीन सी शर्ट पहन के जाते हैं और बड़ा एक्टिव टाइप का है और बड़ा फिट रखता है अपने को। एज उसकी काफ़ी है, 65 साल उसकी एज है, लेकिन वो उस एज पर भी अगर हेलमेट लगा लेते हैं तो वो मतलब नॉट लेस देन 35 से 40 साल कोई उसको नहीं भूलेगा। तो वहाँ से वो मिला, उसने फिर हमें दूसरे बंदे का पता बताया, उसको फिर मेरठ से लेके आए रेड डालकर, इसमें DCP नॉर्थ वेस्ट, इनके ACP अशोक विहार, SHO केशवपुरम और हमारे इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ, इन लोगों ने बहुत, और ACP ऑप्स जो अभी आए हैं, इन लोगों ने बड़ा मेहनत से काम किया। बाकी हमारे जो है DCP नॉर्थ वेस्ट आपको बताएंगे कि इसके बारे में। और जैसा सर ने बताया, अभी इसमें 2 और अक्यूज पकड़े गए हैं, मोहम्मद कासिम के अलावा एक इलियास है जो इनका को अक्यूज था, एक मोहम्मद शमीम है। मोहम्मद शमीम इसके साथ में पहले जेल में रहा है, वो भी एक मर्डर केस में अंदर रहा है,
और इनके कुछ रॉबरी के केसेस गाजियाबाद में दर्ज हैं, और जो इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। अभी इनसे 4 पिस्टल हमें मिले हैं, जिसमें 2 पिस्टल और 2 देसी कट्टा जिनको बोलते हैं सेम कंट्री मेड पिस्टल। 22 राउंड इनसे बरामद हुए हैं और बड़े डेस्परेट थे। 10 केस टोटल खोले गए हैं जो रॉबरी के हैं, और 3 जो थेफ्ट के केसेस हैं जिनमें इन्होंने मोटरसाइकिल चुराई है। और इंटरेस्टिंग है, जैसे सर ने बताया कि जो मास्टरमाइंड है वो 65 ईयर ओल्ड है। थैंक यू। सर, इसमें आपने बैंक फार्मेसी को ज्यादा टारगेट कर रहे थे या स्कूल्स को? जी जी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।